हेलो एवरी वन वेलकम टू ए न्यू वीडियो आज हम देखेंगे कि हम ऑप्शनस को उसके एल टी पी के हिसाब से कैसे जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मार्केट ओपन में ही बीस बीस रुपये या तीस तीस रुपये का ऑप्शन बेचना है पी ई में और सी ई में भी यहाँ पर आप सी uh, में थर्टी रुपीज़ के आसपास इसको बेचना चाहते हो एंड दिस इज़ ऑल्सो नियर थर्टी रुपीज़ एंड ये आपको ऑप्शन चेन में आके मैनुअली वेरीफाई करना रहता है एंड देन यू प्लेस द ऑर्डर्स तो काफ़ी मैनुअली करने में थोड़ा डिले होता है यू हैव टू सर्च फॉर द स्ट्राइक्स मैनुअली ऑप्शन चेन में आके तो लेट्स सी अ ट्रिक इन विच वी कैन डू दिस वेरी क्विकली हम इसको कितनी जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंपल ट्रिक पहले आप uh, सारे ओ टी एम वॉच एक वॉचलिस्ट uh, में डाल दीजिए ठीक है मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओ के ऑप्शंस मैंने आ, डाले हुए हैं एक वॉच लिस्ट में तो यहाँ पे हमको एक सिंपल कस्टम कॉलम ऐड करना है तो ये एल टी पी ऑप्शन टाइप है तो कस्टम कॉलम का टाइप रहेगा डेसिमल एंड उसका एक नाम दे दीजिए आई एम गिविंग डिफ ठीक है तो कस्टम कॉलम हमने बना लिया है उसके उसका एक फार्मूला एक्सप्रेशंस मतलब एक फार्मूला डालना है उसका हमको डालना है एप्सोल्यूट सपोज आपको थर्टी रुपीज़ के आसपास का ऑप्शन चाहिए यू यू वांट ऑप्शंस विच आर प्राइसड अराउंड थर्टी रुपीज सो यहाँ पे आपको टाइप करना है थर्टी माइनस एल टी पी एल टी पी इज़ यू विल फाइंड एल टी पी इन फील्ड या तो एल टी पी मिल गया एंड ओके okay कर दीजिए अब आप जब लास्ट को आएंगे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका कस्टम कॉलम रेडी है इसका आप एल टी पी एल टी पी के साइड में लगा दीजिए तो ये रहा एल टी पी हमारा डिफ का कॉलम है एंड देन सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफ हमारा सॉर्ट भी हो गया और यहाँ पे हमको मिल गया थर्टी टू थर्टी टू दोनों थर्टी रुपीज़ के सबसे नज़दीक वाले जो ऑप्शन हैं आपको यह यहाँ पे टॉप में मिल जाएंगे यहाँ पे एक इशू है कि जब भी आपका एक एक कई कई बार क्या होता है कि यहाँ पे सी सी रहता है और पी नीचे रहता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एडिट करूँ एक्सप्रेशन एडिटर में जाके यहाँ पे अगर मैं इसको एडिट करूँ लेट्स हमको फोर्टी चाहिए राइट फोर्टी रुपीज़ के आसपास कब हम सर्च कर रहे हैं तो फिर से हम सॉर्ट करेंगे नाउ इफ यू सी यहाँ पे पी पी है तो एक ऑर्डर प्लेस करते समय एक uh, चीज़ का ख्याल रखिए कि आपको सी सी वी आर कंसनट्रेटिंग ऑन दिस डिफ या फिर एल टी पी वी पर कंसनट्रेट कर रहे हैं राइट तो आपको बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे कई बार ऐसे सी सी पी पी रह सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू सेल ए स्ट्रैंगल देन जस्ट टेक केयर कि यहाँ पे सी और पी में आप ऑर्डर प्लेस करें अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ इसके हिसाब से अगर टॉप दो इफ़ यू सेल ऑन द बेसिस ऑफ डिफ ओनली तो ये गलती से आप इसको सेल ना कर दीजिए इसीलिए मेक श्योर दैट यू पे सम अटेंशन टू द ऑप्शन टाइप एज वेल तो यहाँ पे अगर मुझे चालीस रुपये के आसपास बेचना है दन द बेस्ट ऑप्शन करेंटली इज़ दीज टू राइट यहाँ पे पी सी है एंड ऑप्शन भी काफ़ी नज़दीक है तो दिस इज़ ए बैलेंस स्ट्रैंगल राइट तो सिमिलरली हमको सपोज पचास के आसपास चाहिए देन वील गो टू एक्सप्रेशन एडिटर अगेन और यहाँ पे फिफ्टी मैं इसको डाल रहा हूँ यहाँ पे लेटस चेंज इट टू फिफ्टी ओके दैन सॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिफेज अगेन तो यहाँ पे अभी बेस्ट ऑप्शन इज दीज टू इंस्ट्रूमेंट्स उसका स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे एटीन वन हंड्रेड एंड सेवेंटीन एट फिफ्टी सो दैट्स इट गैस इट वॉज जस्ट अ सिंपल ट्रिक एंड आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल तो अगर आपको आप ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू ड्रॉप इन ए लाइक एंड आई कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल